Okay, so we have studied about the solar energy. Now we will study the next kind of energy, next kind of natural renewable source of energy, that is ocean energy. That is ocean energy. You know what is ocean? Ocean is a large water body, एक बहुत बड़ी water body को हम ocean कहते हैं और earth पे 71% of area is covered by ocean. अर्थ पे ऑलमोस्ट 71% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय द ओशन, मतलब वाटर बॉडी से कवर्ड है. अगर इतना ज्यादा एरिया ओशन जो है, इतना ज्यादा एरिया सिर्फ पानी से कवर्ड है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ही होगी. व्हाई? बिकॉज एरिया बहुत बड़ा हो गया. और अभी हमने कहा कि सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी जो होती है, ये ज्यादा एरिया में अगर आप कलेक्ट करोगे और ज्यादा समय तक कलेक्ट करोगे तो उसे ज्यादा यूज कर सकते हो. तो इसीलिए हम ओशन में भी सेम चीज देखते हैं. ओशन का एरिया बहुत बड़ा है और लंबे समय तक इस पर सोलर एनर्जी गिरती है, तो सोलर एनर्जी से हम ओशन एनर्जी बना सकते हैं, ओशन एनर्जी यूज कर सकते हैं. अब ये सोचा गया कि बेसिकली ओशन के पास कैसी एनर्जी है, किस प्रकार की एनर्जी है. तो हम ये कहते हैं कि ओशन हैज एनर्जी इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स. ओशन में तीन अलग फॉर्म्स में एनर्जी अवेलेबल है, तीन अलग तरह से एनर्जी अवेलेबल है. एंड द फर्स्ट इज टाइडल एनर्जी, द सेकेंड इज वेव एनर्जी एंड द थर्ड इज ओशन थर्मल एनर्जी. ओशन में तीन तरह से एनर्जी होती है. पहली होती है टाइडल एनर्जी, दूसरी होती है वेव एनर्जी और तीसरी होती है ओशन थर्मल एनर्जी. इन तीन फॉर्म में इस ओशन में एनर्जी सेव होती है, स्टोर हो जाती है. ना हम एक एक करके समझते हैं कि बेसिकली ये एनर्जी कैसी होती है. टाइडल एनर्जी है तो क्या होती है टाइडल एनर्जी, टाइड क्या होते हैं, ये सारी चीजें. देन वेव एनर्जी एंड देन वी विल स्टडी ओशन थर्मल एनर्जी. इन तीनों एनर्जी के फॉर्म को हम बहुत डिटेल में इस वक्त डिस्कस करने वाले हैं. नाउ ओशन के बारे में हमने खास बात लिखी कि इट हैज 71% ऑफ एरिया, इट कवर 71% एरिया ऑन द अर्थ. दूसरी खास बात ये, इट होल्ड ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर. इसमें ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. ओके, इतना पानी इसमें प्रेजेंट होता है. इट्स अप्रोक्सीमेशन, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, बट हाँ एक एस्टिमेशन, एक आइडिया लगाने के लिए कि इतना पानी इसमें प्रेजेंट होता है. एंड दैट वाटर इज सेलाइन वाटर, वो नमक का पानी होता है, इट कंटेन सॉल्ट. सो यह जो वाटर है, यह वाटर में ही अपने आप में एनर्जी होती है. ओशन इज वॉट? ओशन इज अ लार्ज वाटर बॉडी. तो इस वाटर बॉडी में क्या है? वाटर. वाटर में क्या है? वाटर में एक्चुअल में एनर्जी है. जो भी हम ओशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट ड्यू टू द एरिया, ओके, ऑफ द ओशन. इट इज ड्यू टू द वॉटर इनसाइड दैट ओशन. ओके, उस ओशन में जो पानी है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइडल एनर्जी. सो लेट अस डिस्कस टाइडल एनर्जी. नाउ टाइडल एनर्जी इज वॉट? वी विल से टाइडल एनर्जी इज एनर्जी derived from
peptides is called tidal energy. Tidal energy is basically the energy that is derived from the tides, जो energy tides से हमें मिलती है. इस चीज को समझने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि टाइड एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय टाइड. कुछ लोग जानते हैं कि टाइड क्या होता है, बट सम पीपल आर कंफ्यूज कि टाइड एक्चुअल में होता क्या है, टाइड क्या चीज है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइड. लेट्स से दिस इज द लैंड, एक यहां पे एक सी है. ओके, दिस इज द सी. दिस इज वॉटर, दिस इज सी वॉटर एंड दिस इज द लैंड. और आप यहां पे खड़े हुए हो. ओके, यू आर स्टैंडिंग हेयर. आपके रिस्पेक्ट में टाइड क्या होगा, आप ये देखेंगे. सी के पास अगर आप रोज जाएं, रोज एक महीने तक, वन मंथ के लिए रोज सी के पास जाएं और इस तरह से वहां पे कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाएं, तो आप ये देखेंगे कि कभी आपको सी का पानी इस हाइट पे दिखाई देगा, इस हाइट पे, इस हाइट पे अभी रखा हुआ है. कभी आपको सी का पानी इस हाइट पे दिखाई देगा और कभी आपको सी का पानी इस हाइट पे दिखाई देगा. मतलब आप ये देखेंगे कि जो सी में पानी है, समुद्र में जो वाटर है, वह वाटर कभी कभी अपना लेवल चेंज करता रहता है. इस पानी का लेवल कभी इतना दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी इतना दिखता है. तो अलग अलग पानी के लेवल को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है. आप इसे बड़ी आसानी से कहीं भी किसी भी सी में देख सकते हैं, किसी भी रिवर में देख सकते हैं. ओके, सो यू विल फाइंड कि ये लेवल बार 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 चेंज होता है. और यह जो लेवल पानी का चेंज हो रहा है, दीज आर नोन एज टाइड्स. सो व्हाट एग्जैक्टली इज टाइड, वी विल से टाइड इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर लेवल, मूवमेंट ऑफ वाटर लेवल अलोंग द कोस्ट. कोस्ट मतलब जो तट होता है, जो किनारा होता है, जहां पानी और लैंड मीट करते हैं इस तरह से. तो दिस पॉइंट, दिस लेवल, यू विल सी द चेंज इन लेवल. यहां पे पानी का लेवल आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, पानी का लेवल मूव करता हुआ दिखाई देगा. कभी ऐसा ऊपर है, कभी नीचे है, कभी और नीचे है, फिर कभी वापस बहुत ऊपर है. तो दिस इज बेसिकली द टाइड. इसका मतलब होता है टाइड, मूवमेंट ऑफ द वॉटर लेवल अलोंग द कोस्ट. नाउ व्हाई दिस मूवमेंट हैपन, ये पानी ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ये कैसे हो रहा है? क्या कोई इसमें पानी डाल रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, फिर पानी निकाल लेता है इसीलिए ऐसा हो रहा है? हम कहेंगे नो, इसके पीछे इस तरह का तो कोई रीजन नहीं है. वी विल से टाइड इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यह टाइड, जो ये पानी का लेवल है, यह पानी का लेवल चेंज होता रहता है. दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून. मून क्या करता है, मून इस वाटर को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर फोर्स लगाता है. उस फोर्स की वजह से ये पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, फिर उस फोर्स की वजह से ये पानी का लेवल और ऊपर हो जाता है, फिर जैसे ही फोर्स हटा पानी का लेवल सडन डाउन हो जाता है. तो ये मूवमेंट जो हो रहा है पानी का, ये सब वाटर का मूवमेंट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ दिस फोर्स इस मैक्सिमम व्हेन, सबसे ज्यादा ये फोर्स सबसे ज्यादा कब होगा, जब हम कहते हैं कि फुल मून का दिन होता है, फुल मून का डे होता है. फुल मून के डे में यह पुल, यह ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा लगता है. ऑब्वियस सी बात है कि उस समय मून जो है वो पूरी तरह से देख रहा है अर्थ को,
तो ऑब्वियसली बात है कि वो फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। जब हाफ मून होता है या नो मून डे होता है तब क्या होता है, तब मून दिखता ही नहीं। मून क्यों नहीं दिखता? बिकॉज वह अर्थ के पीछे चला जाता है, या ऐसा कहें कि अर्थ उसके सामने से हट जाती है। सो इसीलिए वहां पे मून अगर नहीं दिखता तो मून नहीं दिखने से क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल भी नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा तो क्या होगा, पानी का लेवल डाउन ही दिखेगा, नीचे की तरफ ही दिखेगा। लेकिन जैसे ही फुल मून हुआ वापस पानी का लेवल ऊपर चढ़ जाएगा। तो फुल मून के दिन क्या होगा, फुल मून के दिन लेट से पानी का ये वाला लेवल अचीव हो जाता है, तो इस लेवल को हम कहेंगे, फुल मून के दिन जो पानी का लेवल होगा इसे हम कहेंगे हाई टाइड, इसे हम कहेंगे हाई टाइड। और जिस दिन मून नहीं दिख रहा, नो मून डे है, उस दिन क्या होगा, पानी का लेवल सबसे कम होगा। तो इस तरह के पानी के लेवल को हम कहेंगे लो टाइड। तो एक हो गया हाई टाइड, एक हो गया लो टाइड। सो कुछ इस तरह से हम यहां पे टाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस तरह से हम टाइड को फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। नाउ इसे हम यूज कर सकते हैं, इसे हम आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ये एनर्जी इसके पास आ कहां से रही है, हम कहेंगे कि दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द फोर्स। कौन सा फोर्स, जो मून लगा रहा है। तो मून की एनर्जी, मून के फोर्स को यूज करके ये टाइड इस तरह से, ये वाटर लेवल इस तरह से मूव होता है। नाउ वी कैन यूज दिस एनर्जी, हाउ वी कैन यूज, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने क्या करा, हमने एक सी को देखा, एक सी को या फिर एक रिवर को देखा। एक रिवर में हमने ये पाया, दिस इज बेसिकली द वॉटर इनसाइड द रिवर। ये ऐसा रिवर फ्लो हो रहा है, मैं रिवर को साइड से देख रहा हूं। साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड से आपको दिखेगा कि नीचे एक जमीन होगी उस रिवर में और ऊपर ये पूरा पानी होगा। नाउ अब जैसे ही फुल मून डे आएगा ये पानी का लेवल चढ़ जाएगा, जैसे ही नो मून डे आएगा ये पानी का लेवल कम हो जाएगा। तो इसमें एक हाई टाइड और एक लो टाइड जैसी संभावना बन सकती है, जैसी चीज हमें दिखाई दे सकती है। सो हमने क्या करा, हमने इस पानी के बीच में, इस रिवर के बीच में, अब देखिए रिवर की लेंथ होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, ओके, इट्स नॉट मोर देन आई गेस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा तो किसी रिवर की ऐसी विड्थ नहीं होती, ओके। सो हमने इस रिवर पे, इस रिवर पे एक इस तरह का अरेंजमेंट फिक्स किया, कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट फिक्स किया। हमने कुछ इस तरह से एक अरेंजमेंट बनाया। यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने एक बैरिकेड लगा दिया जिसे हमने नाम दिया बैरेज।
बैरिकेड क्या करता है, बैरिकेड प्रिवेंट्स समथिंग, उसे रोकता है, कहीं जाने से रोकता है। जैसे ट्रैफिक में आप देखते हैं बैरिकेड्स लगा देते हैं कि नहीं आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते, नहीं आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट, दैट्स आर बैरिकेड्स। उसी तरह से हमने रिवर के बीच में एक ऐसा बैरिकेड लगा दिया, ऐसा सामने एक बैरिकेड लगा दिया और इस तरह के दो गेट्स फिक्स कर दिए जिसे हमने नाम दिया स्लुइस गेट। इस रिवर के बीच में हमने एक बैरिकेड लगाया और इस तरह से दो गेट फिक्स कर दिए। नाउ अब क्या हुआ, अब फुल मून डे आया। फुल मून डे आने पे क्या हुआ, फुल मून डे आने पे ये इधर पे पानी है, दिस इज रिवर का वाटर, और यहां पे कोई पानी नहीं, ये खाली जगह। सो हमने फुल मून डे पे देखा कि ये रिवर का पानी धीरे 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 ऊपर चढ़ गया और हाई टाइड हमें दिखने लगा, हमें हाई टाइड बनता हुआ दिखने लगा। तो हाई टाइड आ चुका है, फुल मून का डे है, तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पानी नहीं है, तो इन गेट्स को ऊपर खसका दो, इन गेट्स को खोल दो। कैसे खोलेंगे, ये जो दोनों रॉड्स आप देख सकते हैं इन्हें ऊपर खींच दो। इन दोनों गेट्स को ऊपर की तरफ खसका दिया, तो क्या हुआ, ऊपर की तरफ खसकाने से ये सारा पानी इस तरफ फ्लो होने लगा, इस तरफ फ्लो होने लगा और सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी। This water is filled like this. इस तरह से ये पानी यहां पे भर गया। क्या करा आपने, जैसे ही आपने इन गेट्स को ऊपर किया ये पानी इधर की तरफ फ्लो होने लग गया और फ्लो होके यहाँ पे भर गया और दोनों जगह पे पानी का लेवल बिल्कुल सेम आ गया, मतलब इतना लेवल अचीव हो गया। नाउ अभी क्या था, अभी हाई टाइड था, हाई टाइड होने से क्या हुआ, पानी का लेवल काफी ज्यादा था, तो लेवल ज्यादा था तो इसलिए ये खाली जगह थी तो पानी यहाँ फ्लो हो गया और इस तरह से पानी का लेवल, एक पार्टिकुलर लेवल अचीव हो गया। नाउ ये जो लेवल पानी का बना है ये वाला, ये हमने मेंटेन कर लिया, मेंटेन करने के बाद इसी तरह से छोड़ दिया और वापस से इन गेट्स को बंद कर दिया। ये लेवल मेंटेन करने के बाद हमने गेट्स को वापस से बंद कर दिया। हमने क्या देखा कि हमने पानी को हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करा दिया। ये पानी की प्रॉपर्टी है, ये उसकी टेंडेंसी है कि वो हाई लेवल से लो लेवल फ्लो होता है। तो हाई टाइड के केस में हमने उसे एक गेट से खोल के दूसरे गेट तक पहुंचा दिया और यहां पे फाइनली उसे रख दिया। नाउ अब पानी कहां पे है, पानी इस वक्त यहां पे भी है और यहां पे भी है, और दोनों ही केसेस में पानी का लेवल बिल्कुल ही सेम है। नाउ ये कौन सा दिन है, ये फुल मून डे है। अब जैसे ही आप सोचिए कि नो मून डे आएगा, जिस दिन चांद नहीं दिखेगा, जिस दिन मून का कोई अता पता नहीं होगा, उस दिन क्या होगा, उस दिन आप देखेंगे कि जो पानी का लेवल ऐसा यहाँ अचीव हुआ ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये पानी का लेवल यहाँ होना चाहिए था, अब ये नीचे आके यहाँ कहीं पे हो जाएगा। सिचुएशन कैसी बन जाएगी, यहाँ से पानी साफ हो जाएगा, यहाँ से पानी का लेवल डाउन हो जाएगा एंड यू विल फाइंड कि पानी का लेवल विल बी लाइक दिस। तो इस केस में क्या हुआ, पानी का लेवल इधर वाले फेज में तो क्या हो गया, इधर वाले एरिया में इतना आ गया, लेकिन इधर वाले एरिया में इतना पानी भरा है, तो यहाँ पे हमें एक पानी के बीच में लेवल डिफरेंस दिखाई देता है।
दोनों एरियाज में अगर आप देखें तो एक लेवल डिफरेंस हमें दिखाई देता है। नाउ दिस लेवल डिफरेंस ये जो क्रिएट हुआ है, हम इस तरह की एनर्जी को यूज करेंगे, हम इस लेवल डिफरेंस को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पानी का लेवल नीचे है और यहाँ पे पानी ऊपर की तरफ है, तो जैसे ही मैं इन गेट्स को खोलूंगा, स्लुइस गेट्स को खोलूंगा, तो इन गेट्स को खोलने से क्या होगा, हम कहेंगे कि इन गेट्स को खोलने से पानी यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होने लगेगा, पानी यहाँ से निकलेगा और यहाँ की तरफ फ्लो होने लगेगा। तो हमने इन गेट्स को खोल दिया, जैसे ही आपने गेट्स खोले ये पानी इधर फ्लो होने लगा। नाउ ये पानी जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लोइंग वाटर से हम इस जनरेटर को चलाएंगे, हम इस जनरेटर को चलाएंगे, इसे मूव करवाएंगे यूजिंग दिस फ्लोइंग वाटर। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने टाइड की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। किसके काइनेटिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर की। जब पानी ऊपर चढ़ गया तो हमने एक जगह स्टोर कर लिया, फिर जब पानी नीचे आ गया तो वहां से वापस पानी रिलीज कर दिया, और पानी रिलीज करने से क्या हुआ, पानी मूव करने लगा, उसमें फ्लो होने लगा, और इस फ्लो की वजह से क्या हुआ, ये जनरेटर घूमने लगा। और फ्लो की वजह से अगर जनरेटर घूम रहा है तो हम यहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दिस जनरेटर। सो व्हाट वी हैव डन, टाइडल एनर्जी means using the level difference of water. जो पानी का level का difference है, हमने उस level difference को use करके इस तरह से energy form करी। Now, अब देखिए, जब ये गेट आप ओपन करते थे, यहाँ पे सबसे पहले हमने जब गेट ओपन किया था तो पानी इधर फ्लो होना शुरू हुआ था, तो पानी का जब यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा था तब भी हम जनरेटर को चला सकते थे, तब भी हम इस टर्बाइन को घुमा सकते थे और टर्बाइन के घूमने से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे। सेम चीज़ यहाँ पे, जब पानी यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो हम अगेन इस टर्बाइन को घुमा सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल हम पानी को यहाँ से यहाँ ले जाने में भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और यहाँ से यहाँ लाने में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइडल एनर्जी। नाउ लेकिन खास बात ये होती है कि ये जो टाइडल एनर्जी हमने यूज करी, जो लेवल डिफरेंस यूज करा, लेवल डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, द लेवल डिफरेंस शुड बी मिनिमम 8 meters of level difference is required. कम से कम level difference 8 meter का होना चाहिए, मतलब high tide और low tide के बीच में कम से कम 8 meter का gap होना चाहिए, तभी आप tidal energy को use कर सकते हैं, तभी आप tidal energy से electric energy form कर सकते हैं। ओके, सो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टडी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइडल एनर्जी।